110 राजनीति निरूपण। सूत जी ने कहा, राजा को चाहिए कि वो सदैव सबकी भली भांति परीक्षा करता रहे। सत्य परायण तथा धर्म परायण राजा ही नित्य राज का पालन करने में समर्थ होता है। उसे चाहिए कि वो शत्रु सेनाओं को जीतकर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करे। राजा को जंगल में माली के समान पुष्प वृक्ष से पुष्प ग्रहण करना चाहिए, किंतु कोयला बनाने वाले के समान वृक्ष का मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य रूपी वन में राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते समय माली के सदृश आचरण करना चाहिए। वृक्ष काटकर कोयला बनाने वाले अंगारक का आचरण उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। जिस प्रकार दूध दुहने वाले दुग्ध का पान करते हैं किंतु विकृत हो जाने पर उसका उपभोग नहीं करते, उसी प्रकार राजाओं को चाहिए कि वे परराष्ट्र का उपभोग तो करें किंतु उसको दूषित ना करें। जिस प्रकार दुग्ध प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य गौ के स्तन से दुग्ध तो निकाल लेते हैं परंतु उसके स्तन को काटते नहीं, इसी प्रकार राजा के द्वारा प्रयुक्त इस नीति से अर्थात कर रूप में संपूर्ण धन ग्रहण करने से पीड़ित राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता है। अतएव राजा को सब प्रकार से पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करके जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। ऐश्वर्य अस्थाई होता है, अतः प्राप्त हुए अस्थिर ऐश्वर्य में आसक्त न होकर राजा को धर्माचरण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन संपत्ति आदि तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन आदि अपने अधीन नहीं है। मन को रमणीय लगने वाली स्त्रियां सत्य हो सकती हैं, विभूतियां यानी धन संपत्ति भी सत्य हो सकती हैं, किंतु ये जीवन तो स्त्री के कटाक्षपात की भांति चंचल असत्य है। शरीर में स्थित वृद्धावस्था सिंघनी के समान भयभीत करती रहती है। रोग शत्रु की भांति शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए घड़े से निकलते हुए जल के सदृश क्षीण होती जाती है। फिर भी इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्महित चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता। हे मनुष्यों, इस क्षणभंगुर जीवन में आप सब निश्चिंत क्यों हैं? दूसरे का हित करना ही उचित है, जो बाद में कल्याणकारी है। इस परोपकार धर्म से विपरीत कामिनियों के मंद मंद कटाक्षपात से काम पीड़ित आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, क्या उसी में आप सभी का हित सन्निहित है? ऐसे आचरण में तो कभी भी हित संभव नहीं है। अतः इस प्रकार का पाप ना करें। आप सभी को सदैव ब्राह्मण विष्णु और उस परात्पर ब्रह्म का विधिवत निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि जल में डूबे हुए घट के समान आयु मृत्यु के बहाने एक दिन में ही समाप्त हो सकती है, अथवा वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। जो मनुष्य पराई स्त्रियों में मातृभाव रखता है, जो दूसरे के द्रव्यों को मिट्टी पत्थर के ढेले के समान नगण्य समझता है और सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का दर्शन आत्मदर्शन करता है, वही विद्वान है। हे ब्राह्मणों, सत्य तो यही है कि राजागण अपनी आत्मा के लिए ही राज्य प्राप्ति की कामना करते हैं और इसीलिए सभी कार्यों में अपनी वाणी का उल्लंघन भी सहन नहीं करते हैं तथा धन का संचय भी इसी के लिए करते रहते हैं। किंतु राजा को भी अपनी रक्षा करके शेष बचे हुए धन का उपयोग द्विजातियों के भरण पोषण में करना चाहिए। ब्राह्मणों का मूल मंत्र ओंकार है। इस ओंकार की उपासना से राष्ट्र की अभिवृद्धि होती है और योग से राजा वृद्धि को प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की व्याधियां उसे बांध नहीं सकती। सब प्रकार से असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं। फिर पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए अर्थ का संग्रह करने वाले राजा के विषय में क्या कहा जा सकता है? धन संचय करना तो उसके लिए आवश्यक ही है। जिसके पास धन है उसी के मित्र एवं बंधु बांधव है, वही इस संसार में पुरुष है और वही धन संपन्न व्यक्ति विद्वान है। धन रहित होने पर मनुष्य को मित्र, पुत्र, स्त्री तथा परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होने पर पुनः वे सभी उसी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस संसार में धन ही पुरुष का बंधु है। जो राजा शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है, वो नेत्रों के रहते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो अपने गुप्तचर के द्वारा देख सकता है, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित राजा देखने में असफल ही रहता है। जिस राजा के पुत्र, भृत्य, मंत्री एवं पुरोहित तथा इंद्रियां प्रसुप्त रहती हैं, अर्थात अपने अपने कर्तव्य के पालन में सावधान नहीं रहती हैं, उसका राज्य निश्चित ही चिरस्थायी नहीं होता। जिस ज्ञान संपन्न व्यक्ति ने बुद्धिमान तथा आलस्य रहित पुत्र,
भृत्य एवं परिजन इन तीनों को योग्य रूप में प्राप्त किया है, वो राजाओं के सहित चारों समुद्र से संयुक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो राजा शास्त्र सम्मत और युक्ति युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, वो निश्चित ही इस लोक एवं परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। आपातकाल के आने पर राजा को दुखी नहीं होना चाहिए, उसे समबुद्धि प्रसन्न आत्मा तथा सुख दुख में समान रहना चाहिए। धैर्यवान मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि राहु के मुख में प्रविष्ट होकर चंद्र क्या पुनः उदित नहीं होता। शरीर के लालन पालन में अनुरक्त जनों के प्रति धिक्कार है, धिक्कार है। मनुष्य को धनहीन होने से क्षीण हुए शरीर के प्रति भी खेद नहीं करना चाहिए। ये तो सुना ही गया है कि पतिव्रता पत्नी सहित पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि ने आपातकाल के दुख से मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया था। अतः अनुकूल समय की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करनी चाहिए। गंधर्व विद्या, वाद्य, गणिकागण, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र की रक्षा राजा को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी जगह राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं। जो राजा भृत्य पर अकारण क्रोध करता है, वो काले भयंकर नाक से छोड़े गए विष से ग्रस्त उन्माद को प्राप्त करता है। राजा को कभी भी क्षत्रिय के प्रति, भृत्य के प्रति, किम बहुना मानव मात्र के प्रति न कभी चपल दृष्टि रखनी चाहिए और न कभी भी मिथ्या वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जो राजा अपने योग्य भृत्य एवं योग्य स्वजन के बल पर गर्वित होकर शासन की उपेक्षा करता है और मदांध होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है, वो अतिशीघ्र शत्रुओं से पराजित हो जाता है। राजा को क्रोधातुर होकर अहंकार में भ्रिकुटी टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। जो राजा दोष रहित भृत्यों पर अधर्म पूर्वक शासन करता है, इस लोक में उसके सभी विलासपूर्ण सुखोपभोग नष्ट हो जाते हैं। राजा को विलासी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए, परंतु धार्मिक राजा के सुख में प्रवृत्त होने पर भी उसके शत्रु युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये छह प्रकार के जो साहस कहे गए हैं, इनसे समन्वित राजा से देवता भी सशंकित रहते हैं। उद्योग करने पर यदि व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो उसमें भाग्य ही कारण है। तथापि मनुष्य को सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, प्रयत्न से विरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म का ही पौरुष अगले जन्म में भाग्य बनता है। अध्याय 111। राजा द्वारा सेवकों के लिए अपनाई जाने योग्य भृत्य नीति का निरूपण। श्री सूत जी ने कहा, उत्तम, मध्यम और अधम भेद से भृत्यों के तीन प्रकार जानना चाहिए। अतः उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें विभिन्न कार्यों में लगाना चाहिए। सर्वप्रथम भृत्यों का परीक्षण विधि को कहा जा रहा है। साथ ही जिस जिस भृत्य का जो गुण है, उसका भी वर्णन किया जा रहा है। घर्षण, छेदन, तापन और ताड़न, इन चार विधियों से जिस प्रकार सुवर्ण की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार राजा को व्रत, शील, कुल तथा कर्म, इन चार प्रकारों से भृत्य की परीक्षा करनी चाहिए। कुल, शील तथा सद्गुणों से संपन्न, सत्य धर्म परायण, रूपवान तथा प्रसन्न चित मनुष्य को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। द्रव्यों के मूल्य और रूप की परीक्षा करने में कुशल व्यक्ति को रत्न परीक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जो सैन्य शक्ति के बलाबल का परिज्ञान प्राप्त करने में निपुण हो, उसे उसी को सेनाध्यक्ष बनाना चाहिए। जो व्यक्ति संकेत मात्र से स्वामी के अभिप्राय को समझने में समर्थ है, बलवान तथा सुंदर शरीर वाला है, प्रमादहीन एवं जितेंद्रिय है, उसको प्रतिहार के पद पर नियुक्त करने के लिए कहा गया है। जो मेधावी, वाक्पटु, विद्वान, सत्यवादी, जितेंद्रिय और सभी शास्त्रों की सम्यक आलोचना करने वाला हो, वही सज्जन व्यक्ति लेखक के पद का अधिकारी है। जो बुद्धिमान, विवेकशील, दूसरे के चित्त का परिज्ञाता, शूर तथा यथोक्तवादी है, उसे दूत के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जो मनुष्य समस्त स्मृतियों और शास्त्रों का पंडित है, जितेंद्रिय, शौर्य एवं पराक्रमादि गुणों से संपन्न है, उसे धर्माध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जिसके पितृ, पितामह आदि की परंपरा में रसोइयों का ही काम होता रहा हो और जो विशेष रूप से पाक शास्त्र का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र एवं दक्ष हो, ऐसा पुरुष रसोइये के लिए उचित होता है। जो आयुर्वेद शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखने वाला, सौम्य रूप से संपन्न, सभी के लिए देखने में प्रिय लगने वाला, आयु, शील और गुणों से संपन्न हो, वो वैद्य के पद का अधिकारी होता है। वेद वेदांग के तत्वों को जानने में समर्थ, जप होम परायण, नित्य आशीर्वाद देने में तत्पर, अर्थात राजा की मंगल कामना में अहर्निश दत्त चित्त, विद्वान राजपुरोहित के योगी होता है। यदि लेखक, पाठक, गणक, प्रतिरोधक, प्रतिहार आदि पदाधिकारी कार्य करने में आलस्य करते हों, तो राजा सदैव उनको उस कार्य से पृथक कर दे। जो दो प्रकार की बात करता है, उद्वेग कर वाणी बोलता है, क्रूर कर्मा है,
तथा अत्यंत दारुण है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति और सर्प का मुख ये मात्र दूसरे के अपकार के लिए ही होते हैं। विद्या से सुशोभित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। मणि से अलंकृत सर्प क्या भयंकर नहीं होता? अकारण क्रोध करने वाले दुष्ट से किस व्यक्ति को भय नहीं रहता? अर्थात ऐसे दुष्ट से सभी भयभीत रहते हैं, क्योंकि महाभयंकर नागराज का विष तथा दुष्ट का कुत्सित वचन दूसरे के लिए असहनीय होता ही है। राजा को अपने समान धन वैभव से संपन्न, पौरुष और ज्ञान में समकक्ष एवं अपने रहस्य को जानने वाले और उद्योगशील भृत्य को परिपूर्ण से निष्प्रभावी बना देना चाहिए, अन्यथा राजा निश्चित ही अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा भृत्य राज्य का अपहारक ही होता है। आरंभ में जो भृत्य शूरता दिखाए, मधुर और धीमे वाक्य बोले, जितेंद्रिय के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करे और साथ ही पराक्रमशीलता भी प्रदर्शित करे, पर बाद में इसके विपरीत आचरण करे, ऐसे भृत्य हितैषी नहीं होते। आलस्य रहित, अच्छी तरह से संतुष्ट, अनिद्रा रोग से रहित, सदा सजग रहने वाले, सुख दुख में स्थिर मति वाले तथा धैर्य संपन्न भृत्य इस जगत में दुर्लभ है। क्षमा से रहित, सत्यविहीन, क्रूर बुद्धि, निंदक, अहंकारी, कपटी, शठ, लोभी, पौरुषहीन और भयभीत होने वाला भृत्य राजा के लिए त्याज्य है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी राज्य कार्य में नियुक्त नहीं करना चाहिए। राजा को दुर्ग अर्थात किले में संधान किए जाने योग्य अस्त्र तथा विविध प्रकार के शस्त्रों का अच्छी प्रकार से संग्रह करना चाहिए। ऐसा करने से राजा शत्रु को पराजित कर सकता है। परिस्थिति के अनुसार संधि की अनिवार्यता होने पर राजा को शत्रु के साथ 6 मास अथवा 1 वर्ष पर्यंत ही संधि करनी चाहिए। उसके बाद अपनी संचित सामर्थ्य को देखते हुए शत्रु को पराजित करना चाहिए। जो राजा राज्यकार में मूर्ख व्यक्ति को नियोजित करता है, उस राजा को अपयश, धन विनाश तथा नरक भोग, ये 3 प्राप्त होते हैं। जो राजा भृत्यों की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के द्वारा जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करता है, उसी के अनुसार ही वो भविष्य में अभिवृद्धि या वास को प्राप्त करता है। अतः राजा को धर्म, अर्थ तथा काम, इस त्रिवर्ग की साधना एवं गौ ब्राह्मण की अभिरक्षा के लिए राज्य कार्य में सर्वगुण संपन्न विद्वान व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। अध्याय 112। नीतिसार। श्री सूत जी ने कहा, राजा को राज्य कार्य में गुणवान पुरुष की नियुक्ति और गुणहीन का परित्याग करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति में सभी गुण विद्यमान रहते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति में तो केवल दोष ही रहते हैं। निरंतर सज्जनों के साथ रहना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। विवाद एवं मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। पंडित, विनीत, धर्मज्ञ एवं सत्यवादी जनों के साथ बंधन में भी रहना श्रेयस्कर है, किंतु दुष्टों के साथ राज्य का भी उपभोग करना उचित नहीं है। सभी कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे सभी प्रकार के अर्थों की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार भ्रमर पुष्प के पराग को ग्रहण कर लेता है किंतु पुष्प को नष्ट नहीं करता, जैसे दूध दुहने वाला व्यक्ति बछड़े के हित को ध्यान में रखते हुए दूध को दुहता है, वैसे ही राजा को प्रजा हित का ध्यान रखते हुए प्रजा से कर का दोहन करना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी एक एक पुष्प से मधु को ग्रहण कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से धन संग्रह करना चाहिए। जैसे वाल्मीकि, बांबी, मधुमक्खी का छत्ता तथा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, वैसे ही राजा का द्रव्य तथा भिक्षा भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धर्म पूर्वक संग्रह करने से बढ़ते रहते हैं। समुचित रीति से अर्जित किए गए धन का भी क्षय होता ही है और श्रद्धा पूर्वक दीयमान दान कोटि गुणित होकर यथासमय मिलता ही है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अपना कोई भी दिन दान, अध्ययन या सत्कर्म से विहीन नहीं होने देना चाहिए। रागी व्यक्ति से वन में भी दोष हो जाते हैं। अतः घर में मनुष्य के द्वारा किया गया पंचेन्द्रियों का निग्रह तप ही है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर अनिंदित कर्मों से प्रवृत्त हो सन्मार्ग की ओर बढ़ता जाता है, उस विषय वासनाओं से दूर निवृत्त मार्ग वाले के लिए उसका घर ही तपोवन है। सत्य के पालक से धर्म की रक्षा होती है। सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और शीर से कुल की रक्षा होती है। विंध्याटवी में निवास करना मनुष्य के लिए अच्छा है। बिना भोजन किए ही मर जाना श्रेयस्कर है। सर्प से परिव्याप्त भूमि पर सोना तथा कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त करना उचित है। जल के आवर्त युक्त भयंकर भंवर में डूब मरना श्रेष्ठ है, किंतु अपने ही पक्ष के आत्मीय जन से थोड़ा धन मुझे दे दे, थोड़ा धन मुझे दे दे, इस प्रकार याचना करना अच्छा नहीं है। भाग्य का ह्रास होने से मनुष्य की संपदाओं का विनाश होता है, ना कि उपभोग करने से।
पूर्व जन्म में यदि पुण्य अर्जित है तो संपत्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का आभूषण विद्या, पृथ्वी का आभूषण राजा, आकाश का आभूषण चंद्र एवं समस्त चराचर का आभूषण शील है। इतिहास प्रसिद्ध ये जो भीमसेन अर्जुन आदि राजपुत्र हैं, ये सभी चंद्र के समान कांति संपन्न, पराक्रमशील, सत्य प्रतिज्ञ, सूर्य के सदृश प्रतापशाली और स्वयं विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान कृष्ण से अभिरक्षित थे। फिर भी इन लोगों को कृपण धृतराष्ट्र की परवशता के कारण भिक्षाटन करना पड़ा। इस संसार में कौन ऐसा है, किसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसको भाग्य के वशीभूत होने के कारण कर्म रेखा नहीं घुमाती। जिस पूर्व संचित कर्म के अधीन होकर ब्रह्मा कुंभकार के समान ब्रह्मांड रूपी इस महाभांड के उदर में चराचर प्राणियों की सृष्टि में नियमतः लगे रहते हैं, जिस कर्म से अभिभूत होकर विष्णु दशा अवतार के काल में पर्याप्त असीमित महासंकट में अपने को डाल लेते हैं, जिस कर्म के अनुसार ही सदाशिव रुद्र हाथ में कपाल धारण कर भिक्षाटन करते हैं और जिस कर्म से सूर्य नित्य आकाश में ही चक्कर काटते हैं, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा बलि उत्कृष्ट कोटि के दाता थे और याचक स्वयं भगवान विष्णु थे। विशिष्ट ब्राह्मणों के समक्ष पृथ्वी का दान दिया गया, फिर भी दान का फल बंधन प्राप्त हुआ। ये सब देव का खेल है। ऐसे इच्छानुसार फल देने वाले देव को नमस्कार है। यदि प्राणी की माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता साक्षात भगवान जनार्दन विष्णु हो, उसके बाद भी प्राणी को यदि कुबुद्धि में ही विश्वास है तो उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में प्राणी जैसा कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार वो दूसरे जन्म में फल भोगता है। अतः स्वयमेव प्राणी अपने भोग्य फल का निर्माण करता है, अर्थात वो कर्म फल का स्वयं ही विधाता है। हम अपने सुख या दुख के स्वयं ही हेतु हैं। माता के गर्भाशय में आकर अपने पूर्व देह में किए गए कर्मों के फल ही हमें भोगने पड़ते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वतीय गुफा तथा माता के सिर पर और माता की गोद में अवस्थित रहते हुए भी मनुष्य निश्चित ही उन अपने पूर्व संचित कर्म फल का परित्याग करने में समर्थ नहीं होता। जिसका दुर्ग ही त्रिकूट पर्वत था, जिसकी परिखा समुद्र ही था, राक्षस गण से जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम विशुद्ध आचरण करने वाला था, जिसको नीति शास्त्र की शिक्षा शुक्राचार्य से प्राप्त हुई थी, वो रावण भी कालवश नष्ट हो गया। जिस अवस्था, जिस समय, जिस दिन, जिस रात्रि, जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण जैसा होना निश्चित है वो वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सभी अंतरिक्ष में जा सकते हैं या भूगर्भ में प्रवेश कर सकते हैं अथवा दसों दिशाओं को अपने ऊपर धारण कर सकते हैं, किंतु अप्रदत्त वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित की गई विद्या, दिया गया धन तथा संपादित कर्म ही दूसरे जन्म में आगे आगे मिलते जाते हैं। अर्थात प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसको इस जन्म में वैसा ही प्राप्त होता है। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। सुंदर नक्षत्र था, ग्रहों का योग था, स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। विशाल जंघाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा सघन केश वाली शुभ लक्षणा श्री सीता जी, ये भी तीनों जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए तो सामान्य जन के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। न पिता के कर्म से पुत्र को सदगति मिल सकती है और न पुत्र के कर्म से पिता को सदगति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित कर्म फल के अनुसार प्राप्त शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं जिस प्रकार कुशल वीर धनुर्धरों के द्वारा छोड़े गए बाण लक्ष्य को भेद कर कष्ट पहुंचाते हैं। बाल, युवा तथा वृद्ध जो भी शुभाशुभ कर्म करता है वो जन्म जन्मांतर में उसी अवस्था के अनुसार उस फल का भोग करता है। उस पूर्वार्जित फल को ना देखने वाला एवं विदेश में रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्म रूपी जहाज के संयमित पवन वेग के द्वारा उस फल तक पहुंचा दिया जाता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल प्राप्त करता है। देवता भी उस फल भोग को रोकने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं कर्म फल के विषय में चिंता नहीं करता हूँ और ना मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो मेरा है उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता। जैसे सांप, हाथी और चूहा ये शीघ्रतावश क्रमशः कुआं, अपने वास स्थान तथा बिल तक ही भाग सकते हैं, इससे आगे कहाँ तक जा सकते हैं। इसी तरह अपने कर्म अथवा भाग्य से कौन भाग सकता है, सब तो उसी के अधीन है। सद्विद्या देने से उसी प्रकार बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है। जिस प्रकार कुएं से जल ग्रहण कर लेने पर भी कुएं का जल बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। जो धन धर्मानुसार अर्जित किया जाता है वही वास्तविक धन है। अधर्म से प्राप्त किया हुआ धन तो मनुष्य के ऐश्वर्य का नाशक होता है।
इस संसार में धर्मार्थी ही महान होता है। धन की अपेक्षा करने वाले मनुष्य को निश्चित ही श्रेष्ठ जनों के दृष्टांतों को स्मरण करके धनोपार्जन में तत्पर होना चाहिए। अन्नार्थी कृपण व्यक्ति जिन दुखों को भोगता है, यदि धर्मार्थी होकर वो उन दुखों का चिंतन करे तो पुनः उसको दुख का पात्र होना ही ना पड़े। सभी प्रकार की शुचिता में अन्न की शुचिता ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थ से अपवित्र है वही शुचि है। केवल मिट्टी और जल से शुचिता नहीं आती। सत्य पालन में शुचिता, मनः शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल से प्रक्षालन, ये पांच प्रकार के शौच माने गए हैं, जिसमें सत्य पालन की शुचिता है। उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य ही संभाषण करता है वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर है। दुष्ट स्वभाव से अपनी आत्मा को दबाकर रखने वाला दुराचारी पुरुष हजारों बार मिट्टी के लेप तथा सैकड़ों बार जल के प्रक्षालन से पवित्र नहीं हो सकता। जिसके हाथ पैर एवं मन सुसंयत है, जिसे अध्यात्म विद्या प्राप्त है, जो धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अर्जित की है, वही तीर्थों का यथार्थ फल भी भोगता है। जो मनुष्य सम्मान से प्रसन्न नहीं होता, अपमान से क्रुद्ध नहीं होता एवं क्रोध के आने पर मुख से कठोर वाक्य नहीं निकालता, ऐसे ही मनुष्य को साधु पुरुष समझना चाहिए। विद्वान मधुरभाषी भी। कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसके समयोचित हितकारी वचन को सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मंत्र या बल के प्रभाव से अथवा बुद्धि और पौरुष के बल पर अलभ्य अदृष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषय में मनुष्य को किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। अयाचित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुनः वो मेरे पास से चली जाए तो कष्ट होता है, किंतु जो जहाँ से आई थी वो पुनः वहीं चली गई तो उसमें कैसा दुख। दुख करने का कोई औचित्य ही नहीं है। रात्रि में सदैव एक ही वृक्ष पर नाना प्रकार के पक्षियों का समूह शरण लेता है, किंतु प्रातःकाल होते ही वे सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उस आश्रय के विषय में उन लोगों को कौन सा दुख होता है। इसी दृष्टांत को ध्यान में रखकर मनुष्यों को वियोगजन्य दुख में खिन्न नहीं होना चाहिए। एक साथ सामूहिक रूप में चलने वालों में यदि कोई एक त्वरित गति से चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों की जाए। शौनक, सभी प्राणियों या पदार्थों की उत्पत्ति के पूर्व में स्थिति नहीं थी और निधन के अंत में भी उनकी स्थिति नहीं रहेगी। सभी पदार्थ मध्य में ही विद्यमान रहते हैं, इसमें दुख करने की क्या बात है। समय प्राप्त न होने से पहले प्राणी सैकड़ों बाण लगने पर भी नहीं मरता और समय के आ जाने पर कुश की नोक लग जाने से भी वो जीवित नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु ही प्राप्त होती है, गंतव्य स्थान पर ही व्यक्ति जाता है। अतः प्राणी को जो दुख सुख प्राप्त होने योग्य है वही उसको प्राप्त होता है। मनुष्य प्राप्त होने योग्य अमुक अमुक वस्तु को ही प्राप्त करता है तो वो अभिलषित वस्तु के लिए नाना प्रकार से प्रयास करके क्या प्राप्त कर लेगा। उसका तो अपने को अभावग्रस्त समझकर प्रलाप करना व्यर्थ ही है। जिस प्रकार प्रार्थना आदि के बिना ही यथा समय वृक्ष के द्वारा प्राणी को अपने समय पर ही फल फूल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार पूर्व जन्म कृत कर्म भी अपने समय के अनुसार यथोचित फल देता है। व्यक्ति में अवस्थित शील कुल विद्या ज्ञान गुण तथा कुल शुद्धि उसको कुछ देने में समर्थ नहीं है। पूर्व जन्म कृत तप से प्राप्त हुआ उसका भाग्य ही समय के अनुसार वृक्ष की भांति उसे फल देता है। प्राणी की मृत्यु वहां होती है जहां उसका हंता विद्यमान रहता है। लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां संपत्तियां रहती हैं। ऐसे ही अपने कर्म से प्रेरित होकर प्राणी स्वयं ही उन स्थानों पर पहुंच जाता है। पूर्व जन्म में किया गया कर्म कर्ता के पीछे पीछे वैसे ही रहता है जैसे गोष्ठ में हजार गायों के रहने पर भी बछड़ा अपनी माता को प्राप्त कर लेता है। हे मूर्ख प्राणी, इस प्रकार जब पूर्व जन्म कृत कर्म कर्ता में ही अवस्थित रहता है तो अपने पुण्य का फल भोगो। तुम क्यों संतप्त हो रहे हो। जैसा पूर्व जन्म में शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है वैसा ही फल जन्मांतर में कर्ता का अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। नीच व्यक्ति दूसरों में सरसों के बराबर भी स्थित दोष छिद्रों को देखता है किंतु अपने में बेल यानी फल के समान अवस्थित दोषों को देखते हुए भी नहीं देखता है। हे द्विज, राग द्वेषादिक दोषों से युक्त प्राणियों को कहीं पर भी सुख नहीं है। मैं भली प्रकार से विचार करके ये देखता हूँ कि जहाँ संतोष है वहाँ सुख है, जहाँ स्नेह है वहीं भय है, अतः स्नेह ही दुख का कारण है। प्राणियों में स्नेह उत्पन्न करने के जो मूल हैं वे ही दुख के कारण हैं, अतः उनका परित्याग कर देने पर अर्थात उनके प्रति अपनी आसक्ति को समाप्त कर देने से प्राणी को महान सुख की प्राप्ति होती है।
ये शरीर ही दुख और सुख का घर है। उत्पन्न हुए शरीर के साथ ही वो सुख दुख भी उत्पन्न होता है। पराधीनता ही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है। संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। प्राणी को सुख भोग के पश्चात दुख और दुख के बाद सुख का भोग प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्यों के सुख दुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। जो मनुष्य भूतकालिक विषय वस्तु को समाप्त हुआ मान लेता है और भविष्य में होने वाले को बहुत दूर समझता है एवं वर्तमान में अनासक्त भाव से रहता है, वो किसी भी प्रकार के शोक से दुखी नहीं होता।